आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो पहली आदिवासी पायलट है। जी हाँ, ये 7 साल पहले सिर्फ पायलट बनने के लिए अपनी इंजीनियरिंग छोड़ चुकी थी। दरअसल ओडिशा के नक्सल प्रभावित मलकानगिरी जिले की अनुप्रिया लाकड़ा देश की पहली आदिवासी महिला कमर्शियल पायलट बन गई हैं। हम आपको अनुप्रिया के बारे में और भी जानकारी देते हैं। अनुप्रिया के पिता मारियनियास लकड़ा ओडिशा पुलिस में हवलदार हैं और माँ जामज यास्मीन एक गृहिणी हैं। उनके पिता ने हमें ये जानकारी दी कि पायलट बनने की चाह में उन्होंने 7 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई को छोड़ दिया था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वो भुवनेश्वर की उड्डयन अकादमी में दाखिला लेने गई और वहां अपने लगन से जल्द ही वो एक निजी विमानन कंपनी में को पायलट के तौर पर विमान उड़ाती हुई अब नजर आएंगी। अनुप्रिया पहली आदिवासी महिला पायलट है। पिता ने ये भी बताया कि मलकानगिरी जैसे पिछड़े जिले के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी बधाई देते हुए कहा कि अनुप्रिया लकड़ा का पायलट बनना नई पीढ़ी के लिए मिसाल बनेगा। जी हाँ, अनुप्रिया एक मिसाल के तौर पर नई पीढ़ी के सामने आई है, क्योंकि उनका जुनून ऐसा था, उनकी लगन ऐसी थी कि उन्हें पायलट बनना था और इसीलिए उन्होंने 7 साल पहले अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी और उन्होंने पायलट कैसे किस तरह से प्लेन को चलाते हैं ये सारी शिक्षा ग्रहण की और अब वो एक निजी कंपनी में पायलट के तौर पर हैं और अब वो विमान उड़ाती हुई नजर आएंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।